हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भगीरथ बी सागर है। ये बैम्प्रो कंपनी की विक्टोरिया नाम से ये मॉडल का नाम है। आप इसके हेयर का कलर का टोन देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितना इसका लेंथ वाले बाल है। ये जो इसकी लंबाई है, ये धीरे धीरे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। आप उसको देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना लंबा है, 34 इंच, राइट। उससे ऊपर ही है लेकिन 34 लास्ट है, ठीक है। अभी ये बैम्प्रो कंपनी ने ऐसी एक डमी रखी है कि जिसके आप कर्लिंग टोंग कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, क्रिम्पिंग कर सकते हो, स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो मेन, और आप उस हेयर स्प्रे में भी उसको यूज़ कर सकते हो। ये समथिंग कुछ नया है, विक्टोरिया बैम्प्रो कंपनी का विक्टोरिया मॉडल, ठीक है। अभी मैं आपको इसके ऊपर कर्लिंग का भी दिखा देता हूँ, डेमोस्ट्रेशन के कर्लिंग में आप कितने टेम्परेचर पे और किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो, और वापस उसको स्ट्रेटनिंग भी कैसे कर सकते हो, तो उसका मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो इसका टेम्परेचर कितना फटाफट चल रहा है। ये जो विक्टोरिया ट्रेनिंग हेड है उसमें आपको मैक्सिमम 210 तक, उसको 210 टेम्परेचर तक आपको सेल्सियस में उसको आप टोंग में भी यूज़ कर सकते हो, टोंग स्ट्रेटनिंग कर्लिंग क्रिम्पिंग एवरीथिंग, ठीक है। अभी देखो ये भी 210 होने की तैयारी है। यस, अभी हम इसको वर्क करेंगे, ठीक है। आप देखिए, अभी जैसे मैं ये एक सेक्शन निकाल रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, तो टोंग करते टाइम थोड़ा हाथ में थोड़ा फुर्ती चाहिए, जिससे क्या है अपने कस्टमर को करते टाइम फटक से अपने कर सकते हैं। आप देख रहे हो इसको स्टीम भी हो रही है, मतलब अच्छी तरह से वो काम करना स्टार्ट कर दिया है इसने। आप देख रहे हो इसको, और इसको पूरा मैं यूँ खींचूंगा तभी वो वैसे का वैसे ही हो जाएगा पूरा। मैंने किया था 210 पे किया है, ठीक है, 210। अभी मैं जैसे ये चीज़ को विक्टोरिया डमी को कोम किया, टोंग किया था, उसको मैं अभी खोल रहा हूँ। आप देखिए, ये पूरा खोल दिया, मतलब और उसका जो लुक जो है पूरा वेवी आ गया, जो आज की तारीख में फैशन के दौर में चलता है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर क्रिम्प, जो बालों को वॉल्यूम देता है। किसी के भी कम बाल होते हैं तो थोड़ा ऊपर लेके फिर क्रिम्पिंग करो, फिर बाल क्लीन छोड़ो उसके ऊपर क्रिम्पिंग करो, या उसके ऊपर भी क्रिम्पिंग के ऊपर क्रिम्पिंग करो, तो क्या है कि बालों का वॉल्यूम दिखता है, हेयर वॉल्यूम बढ़ता है, दिखता है। अभी जो है हम लोग क्रिम्पिंग मशीन कितना टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 220 के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए आप स्टीम निकल रही है, आप देख रहे हैं कि इसका क्रिम्पी का भी रिजल्ट कितना बेहतरीन है। मैं थोड़ा गैपिंग गैपिंग करके करता हूँ, जिससे क्या है आपको प्रॉपरली दिखेगा स्ट्रेटनिंग और क्रिम्पिंग में डिफरेंस क्या दिखता है, वो आपको दिख जाएगा साथ में। आप देख रहे हो क्रिम्पिंग भी कंप्लीट हो गया है मेरा। ये देखो क्रॉस में आपको दिखा दूँ तो प्रॉपरली आपको अच्छा दिखेगा। अभी जो मैंने क्रिम्पिंग किया था तो क्रिम्पिंग को क्या कोमिंग करके आप देख रहे हो मैंने खोल दिया है, मतलब क्रिम्पिंग का लुक तो है ही अभी ऐसा है, और लेकिन क्या है कि बालों का वॉल्यूम बढ़ गया। आप देख रहे हो पीछे से पूरा पूरा मेरी फिंगरप्रिंट्स भी दिख रही है, लेकिन बालों का वॉल्यूम बढ़ गया, एकदम लाइट वेट है ये। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे यही चीज़ के ऊपर जैसे मैंने 210 टेम्परेचर पे, मतलब 210 टेम्परेचर पे मैंने क्रिम्पिंग किया था, 220 पे किया था, सॉरी गलती माफ़ करना, 220 के टेम्परेचर पे मैंने क्रिम्पिंग किया था। हम लोग वही टेम्परेचर पे और वही जगह पे स्ट्रेटनिंग करेंगे, मतलब आप क्रिम्पिंग किया 220 टेम्परेचर पे, स्ट्रेटनिंग भी करूँगा 210 टेम्परेचर पे, लेकिन बालों को कुछ नहीं होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप देखिए। कितना टेम्परेचर पे किया? 210 टेम्परेचर पे। ये बैम्प्रो कंपनी का ही स्ट्रेटनिंग मशीन है, लेफ्ट टर्न वाला, मतलब इजीली स्ट्रेटनिंग करने में भी बहुत अच्छा रहता है ये। आप देख रहे हो पूरा सीधा, एक भी बाल झला नहीं है और इजीली निकल जाता है। क्रिम्पिंग भी किया है और साथ में स्ट्रेटनिंग भी किया है, बाल जैसे थे वैसे के वैसे अभी पहले के जैसे हो गए हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ना, अभी आपको साथ में एक और चीज़ भी दिखा रहा हूँ, जैसे यही बाल पे जो मैंने टोंग किया था, ठीक है, एक ये है सिर्फ सबसे पहले किया था जो टोंग किया था हमने, जो बाल खोल दिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कोमिंग करके, उसके बाद क्रिम्पिंग किया था मैं, ये क्रिम्पिंग, ठीक है, उसको भी मैंने कोमिंग करके वॉल्यूम बढ़ाने के हिसाब से आपको दिखाया था, तो ये भी क्रिम्पिंग वाला है। और उसके बाद वही क्रिम्पिंग सेक्शन के ऊपर जो ब्रॉड लिया था
तो एक छोटा सा सेक्शन लेके मैंने उसको स्ट्रेटनिंग भी कर दिया है। आप देख रहे हो, मतलब ये कल है आपका जो मैंने खोल दिया है, ये है क्रिम्पिंग, ठीक है। और सबसे लास्ट जो मेन अपनी डमी जो है एज इट इज रहने के लिए स्ट्रेटनिंग किया था मैंने, मतलब पहले के जैसा पूरा फ्रेश का फ्रेश, ठीक है। ये है बैम्प्रो कंपनी की विक्टोरिया मॉडल। और सबसे मेन ये कि आप उसको वॉश भी कर सकते हो। वॉश करने का भी तरीका एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये डमी केयर का जो कॉम है या बैम्प्रो कंपनी का ही है जो डमी के केयर करता है, तो इससे पहले क्या मैं करूँगा कि पहले कॉमिंग कर दूंगा इसको, मतलब पूरा टैंगल फ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा, एक शावर लूंगा। शावर तो खैर अपने पास तो होता ही होता है, तो कुछ नहीं करना है अपने को, दूर से उसको शावर करना क्या है, क्योंकि अपने को जैसे घर में भी अपने नहाते हैं तो नहाने के टाइम क्या करते हैं कि भाई बाल के ऊपर बाल्टी में से निकल लिया और ऊपर से शावर से पानी आता है। अपने को मेन क्या है कि बालों को अपने गीला करना है, बालों को वॉश करना है, अपना मेन यही बात है मेन। तो मैं ये बालों को पूरा गीला कर देता हूँ। आप देख रहे हो एकदम टॉवल ड्राई से भी ज्यादा मैंने इसको गीला कर दिया है। आप देख रहे हो नीचे ये पानी की बूंदे जो जैसे नीचे गिर रही है, ठीक है। मतलब इसको मैंने समझो नहाने के हिसाब से देखेंगे तो पूरा 80% तो उसके बाल पूरे मैंने गीले कर दिए ही हैं, ठीक है ना। देखो अभी यही जो है जो बैम्प्रो का डमी केयर का कॉम है, हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे सबसे नीचे से सबसे पहले, जिससे क्या है कि जैसे टैंगल्स तो नहीं होते लेकिन टैंगल्स वगैरह जो होते हैं वो इजीली नीचे से निकल जाते हैं, तो क्या है कॉमिंग करते समय बाल अपना कॉम अटकेगा नहीं। देख रहे हो एकदम सीधा और स्मूथली नीचे उतर जाता है। और इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है जैसे ये, जब तक ये ड्राई नहीं होता है, और ड्राई होने के लिए इसको कम से कम टाइम चाहिए 15 से 20 मिनट का। जैसे अपने कस्टमर को दिखाते हैं तब उसका काम फिनिश हो जाता है, तो वैसे ही उसका वॉश करके एक साइड में रख दो तो क्या है डमी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्रेश की फ्रेश रहेगी हमें। ये है बैम्प्रो की विक्टोरिया मॉडल। मेरे को सुना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा आवाज़ पसंद आया हो। धन्यवाद, थैंक यू, आदाब अर्ज़ी।